बात करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के, जिसके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये दोस्तों जो प्लान है, ये कॉर्नर का प्लान है और इसका साइज है 20x50, 20x50 में पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया और कॉर्नर का प्लॉट है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए कि मैंने बेडरूम से कि विंडो वगैरह इधर दे रखी है, साथ साथ डोर भी इधर दे रखा है। तो ये टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज है। तो इधर से वाला एक क्लोज एरिया है और ये आपका फ्रंट है और साइड से इधर से रोड गया, तो ये आपका एरिया देखने को मिलता है। जिस पर रोड है वहां से भी मैंने स्टेयर्स दिए हैं आपको चढ़ने के लिए। तो 20x50 का कॉर्नर का प्लाट आपके सामने मैं आज डिस्कस करूंगा। काफी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा प्लान डिजाइन किया जाए कॉर्नर पर हो, 20x50 में हो। तो ये पूरा ओवरऑल अगर फ्रंट की बात करें तो ये आपका फ्रंट है और साइड की बात करें तो इधर से आपका साइड देखने को मिलता है। तो ये प्लान आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से बने रहे पूरी वीडियो में लगातार। मैं उपवन जागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो स्मॉल हाउस प्लान का जो आज का डिजाइन है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर ले चलूंगा। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेन डोर है जहां से आप एंट्री करेंगे और ये पिलर है, उसके पास ये मेन डोर है। इसमें कार पार्किंग का भी मैंने व्यवस्था रखा है और ये स्टेयर बीच से है और साइड में स्लोप है जिससे आप ऊपर जाएंगे। जैसे आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको 3 फीट का स्पेस मिलता है पार्किंग। इसमें मैंने एक लेट बना दिया है, ये आप फ्रंट में। वहीं पर बात करें आगे की तो ये आपका एक गेस्ट रूम बना हुआ है जिसके लिए मैंने विंडो यहाँ से दिया और डोर यहाँ से दिया है। इसका देखिए पूरा आपका पार्किंग एरिया है जिसमें आप कार अपनी पार्क कर पाएंगे। इसी से आपको स्टेयर्स भी दी है जिससे टर्न होकर ऊपर आप जाएंगे। इसके बाद इस डोर से आप अंदर जाते हैं। तो जैसे आप अंदर जाते हैं तो आप एक डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। आप इसे एज ए डाइनिंग हॉल बना सकते हैं। इसका इधर का एरिया ये आपका, ये देखिएगा ये आपका किचन एरिया है, ओपन एरिया जो मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर किचन है, ये आपका डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर सोफा वगैरह लगा सकते हैं। किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो मैंने दिया है, साथ साथ यहाँ स्टेयर्स में भी यहाँ पर एक विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, और यहाँ से भी एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हो तो ये आपका एक कंबाइंड लेट एंड बाथ मैंने बड़ा सा क्रिएट किया है। इसके बाद इस गैलरी के माध्यम से जाएंगे तो इस पीछे वाले रूम को आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद ये आपका एक स्टोर रूम बना हुआ है, आप स्टोर रूम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका एक पूजा घर है। इस बेडरूम में देखिए एक्सेस आप साइड वाली रोड से भी कर पाएंगे, इसलिए मैंने डोर दिया, स्टेयर्स दिया। यहाँ से आप चढ़ेंगे और इस बेडरूम में मास्टर बेडरूम में पहुंच जाएंगे। मास्टर बेडरूम में से गैलरीज भी एक डोर दिया, मतलब दो डोर यहाँ पर दिए गए हैं मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको 3 कमरे मिल जाते हैं, पीछे 2 और एक आगे, और एक ये डाइनिंग हॉल बड़ा सा लेट एंड बाथ। लेट एंड बाथ भी 2 मिलते हैं यहाँ पर, लेट सॉरी एक कंबाइंड और एक सेपरेट। वहीं ये एक स्टोर रूम, ये बड़ा सा किचन एरिया आपको मिल जाता है, ये पूजा घर मिल जाता है। और अब वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पर अपना ऊपर छज्जा पे अपना लगवा सकते हैं जाल, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर को मैं एक बार और जूम करके आपको दिखा देता हूँ, चीजें समझ में आ जाए प्रॉपर, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। पूरा ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल ये बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो सारी चीजें वही है। देखिए वही आगे वाला बेडरूम, वही आपका डाइनिंग हॉल, किचन, लेट बाथ, ये सारी चीजें वही है। सिमिलर पूरी चीजें मैंने बना रखी है, सिर्फ आगे आपका ये बाउंड्री वॉल मैंने दिया है जो कि बालकनी बनाई है। 3 फिट तो आपके स्पेस जो छूटा था वो, और 3 एक्स्ट्रा, 6 फिट का आपका बालकनी, और साइड में 3 फिट की बालकनी आपको देखने को मिल रही होगी। ये मैंने ग्रिल इस्तेमाल किया है, यहाँ पर देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, जूम कर देता हूँ। ग्रिल का कॉम्बिनेशन है, आगे भी ग्रिल का कॉम्बिनेशन एल शेप में, और ये पैनल लगा हुआ है जो घर के आपकी और खूबसूरती को बढ़ा देता है। पैनल आप देख सकते हैं। तो ये और सारी चीजें नीचे जैसी सेम ही बिल्कुल सिमिलर है, आगे बस डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। स्टेयर्स वाले पार्ट को यहाँ पर मैंने वॉल से ढक दिया, इसमें डोर दे दिया और विंडो भी दे दिया, इससे प्रॉपर आपकी चीजें पूरा घर क्लोज हो जाए ऊपर और बेहतरीन सा मॉडल देखने के मिल लगने लगे। तो ये पूरा ओवरऑल फर्स्ट फ्लोर है। अगर बात करें इसके लास्ट फ्लोर की तो ये इसका लास्ट फ्लोर है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री, और ये जो स्टेयर्स थी उसमें वो वाला एक बेडरूम मैंने बना दिया है जिसको आपको गुमटी ना बनानी पड़े और बेहतरीन से आपका ये डिजाइन आपका लगता रहेगा। तो ये देखिए मैंने इस पे छत भी बना दिया। तो ये ओवरऑल पूरा आपका घर बनकर रेडी हो जाता है 20x50 फीट में कॉर्नर का हाउस प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा।